किसी को पता है मैं कहाँ हूँ? एजुकेशनल वीडियोस जहां पर अब बड़े बड़े शहर आबाद हैं, किसी दौर में ये रेत के टीले हुआ करते थे। ट्रैवल व्लॉग्स आंखों का पॉडकास्ट। जब किसी नात को स्टार्ट करते हैं ना, तो उसको ऐसा आवाज से पहले, अच्छा। जैसे आंखों का तारा नामे मुहम्मद। डेली व्लॉग्स। बहुत दिन हो गए डेली व्लॉगिंग कर नहीं पाए। लाइव स्ट्रीम्स। बारिश हो रही है और पहले भी हुई है, मौसम बहुत मज़ेदार है, प्यारा है। पिछली बार कहा था कि यार बारिश हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है, तो आज क्या कहूँगा। कबूतर उड़ रहे हैं, धूप निकली भी है, हवा चल रही है, झंडे लहलहा रहे हैं और मज़ा आ रहा है, सही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुझे कश्मीर जाना है, मैं लेट हो गया हूँ, प्लीज़ 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 मुझे वहाँ पहुँचा दो। सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे बहुत जल्दी पहुँचना है सिर्फ मुजफ्फराबाद तक। प्लीज़ 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 मुझे वहाँ पहुँचा दो। मैं फैसलाबाद फिजाने मदीना। आप लेट जाए, अपनी आंखें बंद कर लें। नहीं आ रहे, ठीक है। इनकी वजह से मुझे लोग जानते हैं, इनका नाम नहीं लेना चाहिए इस बार ना। इस वक्त मेरे साथ उमर भाई मौजूद हैं, पहले तो देखकर बड़ी खुशी हुई, साथ ही अबू बकर भाई भी तशरीफ लाए हैं। सिलसिले को जियो शरीफ है कि इस वक्त आप उमर भाई का ब्लॉग देख रहे हैं और उसमें ये मुझे क्या बोलेंगे, मेरा लिंक लगा देना भाई, सही। इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं, एक छोटा सा ब्रेक, छोटा सा। YouTube इस जहां की अलग अलग जगहों से अलग अलग जुबानों में ऐसी अलग अलग वीडियोस के अलग अलग क्रिएटर्स की अलग अलग कारीगरी से भरा पड़ा है। करम है खुदा का, खुदा की अता है। आज का व्लॉग तीन चीजों के बारे में। आज मेरी बर्थडे है। एक बात बोलूं, जैब भी बोलेगा कि हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह रमजान आ गया। इस व्लॉग का आगाज होता है फैसलाबाद से और मजे की बात यह है कि स्टार्टिंग में ही लग गई भूख, वो भी टिका के, और हमने कर दिया ऑर्डर हल्का फुल्का सा खाना। खाना खाते ही भाग के पकड़ी गाड़ी और फिर सवार हो गए। अब चलते 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 इस्लामाबाद पहुंच गए। उतरते ही अदा की नमाज फजर और फिर सुबह हो चुकी है और अब हम लोग निकल रहे हैं मीनार पाकिस्तान की तरफ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
तो पंजाबी दी अहम चीज आंदी। देखो जी पंजाबी सुन के मजा आ जांदा, और कोई अहम चीज है कोई नहीं। ये बकरियां और दुम्बे वगैरह ये सब कुछ जा रहा है, और बापू तो हमारे कह रहे हैं ये इनका मदनी काफिला है। मदनी काफिले तो आपने बहुत देखे हैं, आज आपको हम बकरियों का मदनी काफिला दिखा रहे हैं जी। ये नाइस। अभी मैंने चलानी है बाइक, ये जिन्हें भी आप चलाएंगे कैसे मर्जी कर ले, मैं चलाता हूँ, हेलमेट मैंने पहना। कटाई कैसे होती है, एक साल पीछे आपको जाना पड़ेगा। लो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बाग में मौजूद हैं, आइए आपको कटाई दिखाते हैं। तो हमारे साथ हैं अब्दरो भाई भी, और हमारे साथ उस्मान भाई भी तशरीफ़ फरमाए हैं। इसी के साथ साथ बहुत ही प्यारे हमारे मोहम्मद सज्जाद अत्तारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम आपको कटाई के मराहिल दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि कैसे कटाई हो रही है। ये हमारे पास कटर है, कटर के साथ इसको पहले काटा जाता है, उसके बाद ये मैं अभी आपको झोली पकड़ाकर बता रहा हूँ कि कैसे पकड़ी जाती है। आए झोली पकड़े। ये कहानी है इन सारे मौजूआत को ज़रा टेस्टी बनाकर इस्लामिक वे में निगाहों के सामने लाने वाले। वैसे मक्खियों ने तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि ये सिलसिला जो है ना ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, बल्कि ये चलता ही रहे आगे से आगे, बस इसके एपिसोड निकलते ही रहें। लेकिन भैया 100 नाम कंप्लीट हो गए भाई, तो मदीना पाक के 100 नाम वाला जो सिलसिला था इसका भी दी एंड हो गया। बरल मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, और मैंने एक काम है जो मैंने करना है डेली व्लॉगिंग के थ्रू, बस मैंने कर देना है। आज से मेरा इरादा है कि डेली रूटीन के जो व्लॉग्स है ना उनको लेके आऊं, और डेली रूटीन वाली सीरीज जो है इसको स्टार्ट कर दूं। बारिश हुई तो है सुबह, जब मैं आया हूँ मैं गीला था। जामतुल मदीना का एक सिता हो चुका है, और अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी मिठाई भी खा चुके हैं, थोड़ी देर मिठाई भी खा चुके हैं, सफाई करने वाले हैं, सफाई करेंगे ना। बना लिया ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सल्लू अलैहि वालिहि। किधर राम करना दिल की धड़कन फुल तेज हो गई है, ये जो नसीबत वाले हैं इधर आ जाओ। नेड़े का कहा है अबे, और यहाँ का नेड़े 2 घंटे का नेड़े। प्यारे नबी प्यारे नबी सही है। प्यारे नबी प्यारे नबी प्यारे नबी प्यारे नबी प्यारे नबी जैसा कोई भी नहीं, प्यारे नबी जैसा कोई भी नहीं। जैसे आपने कहा ना सल्लल्लाहु अलैहि का, या थोड़ा सा इसमें आपकी आवाज़ थोड़ी अनबैलेंस हो गई है। अच्छा, तो आयज़ा पढ़ लें सुकून से। आज अमीन भाई के साथ हम जा रहे हैं कब्रिस्तान में फातिहा खानी करने, अभी जुमातुल मुबारक पढ़ के फारिग हो चुके हैं। अभी के लिए जो चीजें चाहिए थी वो तो मैं ले आया हूँ। मेरे सरदार जो जी, आज आपके बहुत ही प्यारा व्लॉग लेकर आने वाला है आपका प्यारा मीठा सोना उमर भाई।
السلام يا نبي السلام يا نبي السلام يا نبي يا نبي السلام يا نبي السلام يا نبي السلام يا نبي يا نبي السلام. मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है. फिर आखिरकार मैंने जहर का घूंट पिया, कड़वा घूंट, पर एडिट करके पोस्ट कर दिया. अब आप पर है, मूड तो देख लो, नहीं तो छोड़ दो, मजबूर थोड़ी ना करना. हाँ, हमारी इंस्टाग्राम उमर भाई की भी है, मेरी भी है, इरफान भाई की, इन्हें दोनों दी है, वही काफ़ी तो है. आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं. तो यहाँ तस्वीर ले तो कितनी अच्छी आएगी, पर आप ले नहीं रहे, मुझे अफसोस हो रहा है. चलो दोबारा ले, हंसते हुए सब की आ रही है तो बहुत अच्छी है. उस्मान भाई सुनो यार, मैं हिजर की सख्तियाँ को यूँ सजा के पूछे, जिस रात तकते तकते एक हफ्ता गुजर गया. सियालकोट के अंदर एक मीटअप होने वाला है और ये पोस्ट देख लें आप, इससे ज़्यादा नहीं कुछ कह सकता मैं. इस वक्त हम सब 5 यूट्यूबर्स मौजूद हैं और मैंने एक एक से अलग अलग पूछा है कि एक बताएं, इस्लामिक यूट्यूबर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए. जी जी, होने चाहिए, जैसे दीगर यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगिंग वाले भी हैं, और इस तरह इस्लामिक भी होने चाहिए. वैसे आपस की बात है, ये इस्लामिक यूट्यूबर खुद किसी से पूछे इस्लामिक यूट्यूबर होने चाहिए और वो इस्लामिक यूट्यूबर से ही पूछे, तो कौन कहेगा कि नहीं होने चाहिए. यही सवाल मैं आपसे पूछूं. मेरे ख्याल से ये है कि आपस में रابطہ रख कर और टीम मसलन, जैसे आपने पहले कहा था, अगर मसलन वो अच्छी तरह काम कर रहा है और डेली वीडियोज अपलोड कर रहा है, या डेली नहीं भी करता, एक दो दिन छोड़ के कर देता है अपलोड, तो ग्रोइंग मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है. तेरी महफिल में बैठे भी नहीं और उठाए भी नहीं. अब वो फीलिंग आ रही है यार, कह रहे बारो बार निकल ही जा रहे हो. He is the beloved whose intercession is hoped. He is the beloved whose intercession is hoped for in every sudden calamity. चीज़ें 30 की मिलती हैं वो या 140-40 की मिल रही है यार, कुछ तो ख्याल करो, ऐसा नहीं होना चाहिए. वैसे अब वापस गाड़ी में बैठे और चलते 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 आखिरकार हम फैसलाबाद पहुंच गए. और एक ऐसे यूट्यूब क्रिएटर की कि जिसके पास है तो बहुत कुछ मगर कुछ भी नहीं है. ये उमर भाई हैं, ये कैमरा लेकर आए, लेकिन साथ मेमोरी कार्ड नहीं लेकर आए. ये यहाँ पे क्या करें, चलें इसी पर जो है ना गुजारा करें. और ये कैमरा आप ले लेंगे. आपको जरा मुझे सही तरह से बताना पड़ेगा, हमारा जो मेमोरी कार्ड होता है वो लैपटॉप के अंदर हमेशा रहता है, जब भी कुछ करना होता है तो वहाँ से निकाल के कैमरे के अंदर डालते हैं. इस बार कैमरा आ गया है वैसे ही, लेकिन मेमोरी कार्ड नहीं आया. अफसोस है, हुआ ही नहीं. खैर, आपको ये व्लॉग बड़ा अच्छा लगा होगा शायद, तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. देखो रात गई बात गई, अब तो टूट गया ना टीवी, अब कर भी क्या सकते हैं. एनीवे, दिस इज मी मोहम्मद उमर फारूक एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड, एक्चुअली आ लाइट वर्ल्ड. खैर, ये वीडियो बनाने के लिए ना जितना मुझे टाइम लगा है ना, पीछे सारा आपने देखा ही है कि कितना टाइम लगा और क्या क्या पापड़ बेलने पड़े. वो एक ट्रेनिंग थी, कंप्लीट हो गई है. अब ये समझे मेरी पहली वीडियो यूट्यूब की, समझे क्या, वाकई यकीनन ये पहली ही है. बाय द वे, अभी मैं माइक चेक कर रहा हूँ कि सही भी आवाज़ आ रही है, वॉल्यूम दे सब कुछ ओके है या नहीं है. खैर, बेसिकली मुझे ये वीडियो एंड करनी थी, बिकॉज मैं भूल गया था कि एंड भी करनी होती है वीडियो. एंड नाउ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.